टेस्टिंग के बाद एक तरह की जबरदस्त रफ्तार हमें देखने को मिली और 20% जो है वो लिस्टिंग के बाद ये चढ़ा। अब लिस्टिंग के बाद की रणनीति क्या रखनी चाहिए? अभी तो खैर 20% ये ऊपर है, अब यहां से किन लेवल्स को ध्यान में रखना होगा, क्या नजरिया बन रहा है? हालांकि अभी डेटा कम है, आज की ही लिस्टिंग है, लेकिन फिर भी अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, बाकी योजनाओं को देखें, उन सब को अगर हम मद्देनजर रखें तो क्या रणनीति बननी है? वेल, रणनीति की बात करें पर्टिकुलर स्टॉक की, एक फ्लैट आज ओपनिंग हमें देखने को मिला है एंड नो डाउट जाते जाते एक अच्छा खासा क्लोजिंग भी दिया, अपर सर्किट भी स्टॉक में लगाया। नाउ ज्यादा डेटा है नहीं तो हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ओला इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक सेगमेंट मार्केट में, पर्टिकुलरली टू व्हीलर्स, और जिस हिसाब से उन्होंने अपना फ्यूचर का प्लानिंग बनाया है, पर्टिकुलरली जिस हिसाब से उन्होंने एक्सपेंशन का प्लानिंग बनाया है, आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि फंडामेंटल वाइज ये कंपनी काफी अच्छी है, क्योंकि आप देखो तो ओला कैब सर्विस भी प्रोवाइड करती है, साइमल्टेनियसली उन्होंने अपना टू व्हीलर सेगमेंट भी चालू किया, और कहीं ना कहीं अगर ये सेगमेंट संभलता है तो दो राय नहीं है प्रशांत जी कि आगे जाके टू व्हीलर भी लॉन्च करें, हो सकता है कि उनके किटी में ये प्लानिंग ऑलरेडी चल रहा हो। तो मेरा व्यू ये पर्टिकुलर स्टॉक तो पॉजिटिव साइड का ही है, मैं कहूंगा कि अगर गिरावट आती है यहाँ से तो भी खरीदारी करके चलने की सलाह है, 9120 के अराउंड का क्लोजिंग है, कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 7570 तो खरीदारी करके ही चलने की सलाह है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म एक अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं।